किस तरह का अवार्ड है और क्या है इसके उद्देश्य? देखिए, ये एशिया पैसिफिक आइकॉनिक अवार्ड्स हैं जो कि सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसका आयोजन बैंकॉक के बॉटरी प्लैटिनम होटल में किया गया। उसमें देश विदेश के कोने कोने से बहुत ही प्रबुद्ध जन आए हुए थे, और जिसमें मैं अपने ज़िले फिरोज़ाबाद की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, मैंने उसको अपने इस एरिया को प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया। और एक उसके अंतर्गत ही एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें कि हमारे पिछले पैंडमिक जो साल गए हैं उसमें डिजिटलाइज्ड एजुकेशन को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें मेरा उद्देश्य पहुंचने का और बात करने का ये था कि डिजिटलाइज्ड एजुकेशन जो है वो टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मेरा मानना था। और वहाँ पे और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मेरा मानना ये था कि अभी भी हमारा देश जो है विश्व के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकसित नहीं है जितना कि और आगे देश हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के स्कूल की पूरी गतिविधियों को उन्होंने आका, और उसमें किड्स कॉर्नर में मुझे एशिया पैसिफिक आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मैं इस अवार्ड का श्रेय संपूर्ण किड्स कॉर्नर परिवार और विशेष रूप से जो इस स्कूल की संस्थापिका श्रीमती सुकरानी भटनागर, जिन्होंने इसको एक छोटे से पौधे के रूप में लगाया था और जो आज वट वृक्ष के रूप में है हमारे सामने, हमने सब ने मिल करके इसको एक बहुत ऊंचे आयाम पर पहुंचाया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं और विशेष रूप से उनके माता पिता, जिन्होंने इस स्कूल के प्रति अपना विश्वास कायम रखा, मैं इस अवार्ड के लिए विशेष रूप से मयंक सर को और सभी प्रबंध तंत्र, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और बच्चों को, उनके माता पिता को, सभी को इस अवार्ड को शेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, ये हम सभी का एक जॉइंट एफर्ट है, जिसके लिए मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कूल को क्या कहेंगे और क्या इसके बारे में? मैं देखिए सिर्फ इस अवार्ड को डेडिकेट करूँगा अपनी मदर के लिए, क्योंकि श्रीमती सुकरानी भटनागर ने बिना कोई संसाधन के जब इस स्कूल का निर्माण किया, तो ये सारा क्रेडिट उस पर्सनालिटी को जाता है जिसने बिना कोई संसाधन के एक महल खड़ा किया। जब फिरोजाबाद तरस रहा था शिक्षा के लिए, जब बहुत अच्छे स्कूल्स यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तब एक महिला ने आगे बढ़ के इस स्कूल की स्थापना करी, और एक कॉन्वेंट पैटर्न जो कि बिल्कुल यहाँ लोग विमुक्त थे उससे, कॉन्वेंट पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया किड्स कॉर्नर स्कूल के नाम से। उसके बाद उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को एक टेक्निकल एजुकेशन दी, तीनों पुत्रों को बहुत अच्छा टेक्निकली एजुकेट किया, और उसके बाद मुझे और मुकुल सर को यहाँ इस स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि मेरे बड़े भाई बॉम्बे में फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी भरकस कोशिश की इस स्कूल को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जिसने खाली हाथ शुरू किया सारा क्रेडिट उन्हीं को है, हमने इस स्कूल को सिर्फ मेंटेन किया है। जहाँ तक बात रही इस अवार्ड की, तो एशिया पैसिफिक फाउंडेशन एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने एक टाइम मैगजीन के बारे में सुना होगा, ठीक उसी तरीके से एशिया पैसिफिक संस्था वर्ल्ड की एक बहुत रिनाउंड संस्था है। उसके एशिया पैसिफिक आइकॉनिक, आइकॉनिक मींस जो पूरी दुनिया से हट के जो अवार्ड दिए जाते हैं। तो किड्स कॉर्नर स्कूल की ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखा गया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा एनुअल फंक्शंस है,
इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इन सब को गैदर करके जब समअप किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये बड़े गर्व की बात निकल के आई कि किड्स कॉर्नर स्कूल को और उनकी प्रिंसिपल को इस लायक चुना गया कि वे जाकर इंटरनेशनली, इट्स अ इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए कई यहाँ पे लोग अभी भी दावेदारी कर रहे हैं मेयर के लिए, मुझे भी दावेदारी के लिए कहा गया, लेकिन आज की डेट में आप देखिए जब मैडम को ये अवार्ड, इंटरनेशनल एक अवार्ड दिया जाए, इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन मिले, अपने देश के बाहर भी अपने देश का नाम जब ऊंचा होता है सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलता है। अगर मेयर के लिए हम खड़े हो जाएं या मेयर की अगर दावेदारी करें और मेयर का टिकट मिल भी जाए या बन भी जाए, तो डेफिनेटली चेक